परमवीर सिंह सर, इनके बारे में रोज, इनके भ्रष्टाचार के बारे में इनके ऊपर रोज नए नए आरोप हो रहे। पुलिस खाते के कुछ अधिकारी दांगे, पुलिस खाते के कुछ अधिकारी जो है बागाड़े, उसी प्रकार सोनू तन्ना और जो बाहर के जो अनेक व्यापारी है, केतन तन्ना, सोनू जालन, ऐसे काफ़ी लोगों ने परमवीर साहब ने कैसे उनके तरफ से जबरन पैसे उनसे वसूल किए, इसके आरोप रोज एक नए नए आरोप हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब परमवीर साहब जब मुंबई के सीपी थे, उस वक्त जो मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो जिलेटी रखने की घटना हुई, उसी प्रकार मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई, ये दोनों प्रकरण में परमवीर सिंह और सचिन वाजे की भूमिका सस्पिशियस पाई गई है, संशयास्पद पाई गई है। उनके हाथ से गंभीर गलतियां वहां पे उन्होंने किया, उसको माफ नहीं किया जा सकता था, और उसके कारण हमने उनकी वहां से पुलिस आयुक्त से बदली की। उनके तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चालू था उनके हाथ से निकाल के एटीएस को दिया, और उसके कारण उनको वहाँ से जो पुलिस आयुक्त पद से जो हटाया हुआ, उसके गुस्से के कारण उन्होंने मेरे ऊपर आरोप किए। परमवीर साहब को आरोप करना ही था तो जब वहाँ पे थे उस टाइम वो आरोप करते थे, खुर्ची पे जब बैठे थे, जब उनको वहाँ से हटाया गया पुलिस आयुक्त की खुर्की से, तब उन्होंने आरोप किए। आप सभी जानते हैं कि 30 साल के मेरे राजनीतिक, पूरे 30 साल से राजनीति में कर रहा हूँ, कि 30 साल में मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं है, और करके इसके ऊपर मुझे न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और ये पूरे जो है मनसुख हिरेन की हत्या, और उसी प्रकार जो मुकेश अंबानी के घर के सामने जो जिलेटिन रखा गया, उसकी जांच NIA जो बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है वो कर रही है, और ज़रूर इसमें जो परमवीर सिंह की जो सस्पिशियस भूमिका है उसके बारे में भी वो अच्छी तरीके से जांच करेगी, ऐसा मुझे लगता है।